क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी देन वी हैव टू शो दैट दीज फोर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, इन ट्राइंगल्स को हमें क्या बताना है, सिमिलर. इसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे, यहाँ पे हमारा एक परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री के भी एंगल बन रहे हैं. क्लियर, ये दो हमारे सी ओ डी क्या है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं. तो हम इन्हें इन चारों जो है ट्राइंगल्स को क्या बताना है, सिमिलर बताना है. सो फर्स्ट हमें जिन ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, हम वही दोनों ट्राइंगल लेकर चलते हैं. ट्राइंगल ए ई पी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी पी डी. ओके, इसमें हमारे ये जो एंगल ई और आपका जो आ रहा था एंगल डी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं. तो हम लिख सकते हैं कि ए ई पी इज इक्वल टू सी पी डी ईच 90 डिग्री. और ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं. तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर. एज इट इज हमारा सेकेंड वाला पॉइंट में हम ये दोनों ट्राइंगल लेकर चलेंगे. इन दोनों ट्राइंगल में भी डी और ई आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या बन रहे हैं हमारे, ईच 90 डिग्री बन रहे. और ये वाले जो दोनों एंगल बन रहे हैं हमारे, कैसा एंगल बन रहे हैं, कॉमन एंगल बन रहे हैं. तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट में भी हम दोनों ट्राइंगल लेकर चलेंगे, हमारा ईच 90 डिग्री बन रहा है और पी ए ई और सी डी ए. ओके, डी ए बी जो है हमारा, ये भी क्या है, कॉमन एंगल है. तो ये भी बाय सिमिलर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर. जो हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट है ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी. इसमें भी ये दो एंगल जो है हमारे ईच 90 डिग्री बन रहे हैं और ये वाले जो हैं दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, कॉमन एंगल बन रहे हैं. क्लियर, तो सेम बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर. एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करके हमने इन चारों पॉइंट्स में जो ट्राइंगल थे उन्हें क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई जी एफ रिस्पेक्टिवली. ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी, देन वी हैव टू शो दैट हमें ये दोनों साइड्स को इक्वल बताना है और इन दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है हमें, यहाँ पर सिमिलर बताना है. क्लियर, तो हम डायग्राम बना लेते हैं. हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें पॉइंट है हमारा डी, एक ट्राइंगल है एफ ई जी इसमें पॉइंट है हमारा एच. ओके, ड्रॉ ए बी सी एंड एफ ई जी, देन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ सी डी एंड जी एच ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी लाइज ऑन ए बी एंड एच लाइज ऑन एफ ई. देन गिवन, फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी जो है हमारा वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एफ ई जी के. क्लियर, सो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ जी एफ ई, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई. ओके, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं. हम डिवाइड बोथ साइड करके लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ ई जी. हाफ ऑफ एंगल ए सी बी हमारा बन रहा है ए सी डी और हाफ ऑफ एंगल एफ जी बन रहा है हमारा एफ जी एच. गिव इट टू इक्वेशन फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव टू राइट ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. ओके, देन सिंस द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रपोर्शनल. ओके, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सी डी अपॉन जी एच एंड ए सी अपॉन एफ जी. ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया. सेकेंड पार्ट है हमारा इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, हम ये दो ट्राइंगल लेके चल सकते हैं. तो इनमें हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है हमारा डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एच ई जी के. इक्वेशन थर्ड कैसे हो जाएगा, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी. इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी ई. ओके, इस कंडीशन से हम ये लिख सकते हैं. तो हम इससे ये भी लिख सकते हैं हमारा जो एंगल है डी सी बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एच जी ई के. गिव इट टू इक्वेशन नंबर 4. क्लियर, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 वी कैन राइट, हम तो लिख सकते हैं कि हमारे जो ये दो ट्राइंगल हैं ये क्या है, सिमिलर. किससे, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. क्लियर, थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल डी सी ए जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के.
तो हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल जो है हमारा डी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एच एफ जी के, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो है ये सिक्स पॉइंट दे देंगे हम इसको, जो हमारा डी सी ए है वो किसके इक्वल है, हमारा एच जी एफ के, ओके। देन अगर ये हमारा एच डी एफ के इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स हम लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर, ओके। और ये वाली थ्योरम भी हमारी हो गई हेंस प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज डी इज द पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल डी ए डी ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ओके। हमें प्रूव करना है शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये हमें क्या करना है इसमें प्रूव करना है। सो इन क्वेश्चन 13 फर्स्ट वी ड्रॉ द ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी इज द पॉइंट ऑन बी सी जॉइन ए डी, ओके। देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए सी वी हैव एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, इट्स गिवन। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए कॉमन, ओके। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन दीज बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो वी कैन राइट सी ए सी अपॉन डी सी एंड सी बी अपॉन सी ए सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दी प्रपोर्शनल, ओके। देन सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारा हो जाएगा सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, देन वी कैन राइट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और ये हमारी थ्योरम भी ये क्या हो गई, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम टू टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, ओके। सो लेट ए बी बी द पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी द लेंथ ऑफ द शेडो इज थीटा ऑफ एंगल विच सम्स मेक विद द ग्राउंड, ऑल्सो द एंगल विच सम्स मेक्स द ग्राउंड ऑल्सो द सेम टाइम अनदर टावर इज कास्ट द शेडो ऑफ एन एम लेंथ 28 मीटर, लेट पी एम इज इक्वल टू एच मीटर be the height of the tower and theta is the angle which the sun rays marks the ground, okay, this is theta, okay. Since in triangle ABC and triangle PMN, ABC is equals to angle PMN each 90 degree, okay, ACB is equals to angle PNMN also each 90 degree, so by angle-angle similarity, these triangles are similar, okay. So corresponding sides are also equal, AB upon PM is equals to BC upon MN, AB upon PM is equals to BC upon PM, हमारे पास values हैं, 6 upon 4 is equals to H upon 28, cross multiplication करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा H is equals to 6 into 28 upon 4, then it will be 42 meter, hence the height of the tower is 42 meter. Now question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज इन ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ओके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर डी एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ओके। दीज टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इट्स गिवन, सो अगर ये दोनों ट्राइंगल ही हमारे सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ओके। सिमिलैरिटी से हमारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, देन वी कैन राइट बी डी ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, गिव इट टू इक्वेशन थर्ड, क्यू एम इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू हाफ क्यू आर, गिव इट टू इक्वेशन फाइव, सिंस द डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर। So from equation first we can write AB upon PQ is equals to BC upon QR, AB upon PQ is equals to 2BD upon 2QM, हम equation जो third और fifth है हमारी उससे लिख सकते हैं, तो AB upon PQ is equals to हो जाएगा BD upon QM, 2 से 2 हमारा cancel, angle ABD is equals to angle PQM because angle B is equals to angle Q, so these two triangles are similar by similarity criterion. तो अगर ये ट्राइंगल ही सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम एंड इट्स हैंड्स प्रूफ। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है।